कुछ भी ना कहो ये गालियां देते हैं, कुछ भी ना कहो ये गालियां देते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक मशहूर ज़र्बुल मिसल है कि हनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। जब आप ईमानदार होते हैं तो आप सीना थान कर चलते हैं, आप किसी से डरते नहीं हैं। लेकिन जब आप अपने कौम और अपने अवाम के साथ बेईमानी करते हैं तो फिर आप किसी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहते हैं। यही कुछ भगोड़े नवाज शरीफ की हालत है कि यहाँ पर 50 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर यह मुल्क छोड़कर भाग गया है और अभी तक आने का नाम नहीं ले रहा। ये शख्स 3 मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है, लेकिन जब भी इस कौम और इस मुल्क के ऊपर मुश्किल वक्त आया है ये डील करके भाग जाता है। और अभी भी ये डील करके एवन फील्ड अपार्टमेंट, जो कि इसने अवाम की चोरी के पैसे से ख़रीदी है, वहाँ पर छुप कर बैठा है। और जब ये बाहर निकलता है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको घेर लेते हैं। वहाँ पर इन्होंने कुछ पालतू लोग पाले हुए हैं जो बावलों कुत्तों की तरह उन लोगों पर हमलावर होते हैं। जब कोई न्यूट्रल सहाफ़ी आते हैं नवाज शरीफ से सवाल पूछता है, या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज के लिए आते हैं उनसे सवाल पूछते हैं, तो ये बावलो कुत्तों की तरह उनके ऊपर हमलावर होते हैं। ये फुटेजेस भी एवन फील्ड अपार्टमेंट के हैं, जहाँ पर सारा मीर लड़की है ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पर एहतजाज करने आई है, तो नवाज शरीफ के ये पालतू कुत्ते उनको गालियाँ दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ लोगों के बीच बीच में एवन फील्ड अपार्टमेंट से छुप छुप कर निकलते हैं और गाड़ी में सवार हो जाते हैं। साइड पे शहबाज शरीफ और इनके बाकी जो चमचे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स पर भी ज़रूर दें। वीडियो को लाइक शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।